20 अक्टूबर 2024 रविवार को कैबिनेट मंत्री शहरी विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं AICTSL बोर्ड के अध्यक्ष श्री पुष्यमित्र भार्गव जी ने अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड परिसर से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का ट्रायल रन प्रारंभ किया है। यह बस आगामी एक माह तक फिजिबिलिटी टेस्ट हेतु ट्रायल रन पर शहर के विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाएगी। मुंबई से स्विच मोबिलिटी के माध्यम से शहर पहुंची इस बस की लंबाई 9.7 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर, ऊंचाई 4.7 मीटर के साथ क्षमता 63 यात्री सीटों की है। नीचे 29 सीटों एवं ऊपर 36 सीटें हैं। एक बार में फुल चार्ज होने पर यह बस लगभग 160 किलोमीटर चलती है। सभी अतिथियों ने इस बस में AICTSL कार्यालय से शिवाजी वाटिका होते हुए एग्रीकल्चर कॉलेज से पिपलियाहाना चौराहे होते हुए पुनः शिवाजी वाटिका से गीता भवन होते हुए SICTSL तक सफर किया। इस अवसर पर विधायक श्री गोलू शुक्ला जी, भाजपा नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदीवे, महापौर परिषद सदस्य श्री मनीष शर्मा मामा, श्री निरंजन सिंह चौहान, श्री अभिषेक बबलू शर्मा, श्री नंदकिशोर पहाड़िया, श्री राजेश उदावत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। डेकर बस, अब आपको बस का पूरा व्यू बताते हैं हम। इस तरह यहाँ पे बस का ये ड्राइवर यहाँ पे बैठ चुके हैं और इसका स्टीयरिंग भी कैसा है आप देख सकते हो। सीट का कैसा क्या है, यहाँ पे लगभग 65 यात्री यात्रा कर सकते हैं। शहर में पहली बार डबल डेकर बस सिलेक्ट शनिवार मुंबई से है। टूट भी पूरा हो चुका है पर के भी सोमवार को बस का ट्रायल पूरा हो चुका है। रन ट्रायल पूरा होने के बाद बस यात्री के लिए सुविधा चालू हो जाएगी। प्रबंध मुताबिक प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत शुरुआत बस एक बस पहुंच के आगे 10 बस और आने की बताई गई है। 30 दिनों के ट्रायल के लिए आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल बस किराया तय नहीं किया गया है। सीटीएल प्रबंधक के मुताबिक जल्द तय करेगा। उतरने की बनाई गई है। राइट लोग आपसे बात हो जाएगी। क्या लेना चल रहे, हम ड्राइवर से बात कर रहे हैं अभी इस वक्त। भाई साहब इसमें क्या क्या सुविधा रहेगी? इसमें सुविधा तो एसी है गाड़ी और पैसेंजर ऊपर बैठी है और नीटें ऊपर सीटें ऊपर जाने के लिए गेट ये है सीढ़ियाँ और पैसेंजर हर सीट पे चार्जर रहेगा। और इसमें चार्जर की व्यवस्था कब चलेगी? ये कंपनी देसी 60 की। अभी एक बस आई और आगे कितने और आएगी? इसका तो मेरे को अंदर नहीं कितनी आएगा है पर अभी इसका रूट लगे इसका अभी रूट कितने दिन पहले अभी बता रहे 25 दिन में। सर आपका नाम? वर्षों पुराना इंदौर का सपना आज अपने ट्रायल रन देख चुका है। ट्रायल रन अगर सफल रही तो इंदौर में 4 डबल डेकर बसें अलग अलग रूट्स पर चलेंगी जिसमें से एक पिंक बस होगी महिलाओं के लिए। डबल डेकर बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी। डबल डेकर बस इंदौर के विकास को दूसरी मंजिल पर ले जाने का काम करेगी। इस अवसर पर हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे सभी विधायक, MIC के साथी, इन सबको मैं बधाई देता हूं कि हम सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश में पहली बार डबल डेकर बस सड़कों पर दौड़ी है और आने वाले समय में पक्के इरादे से हम इंदौर दर्शन की ट्रेवल बस को भी आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए भी आज करवा चौथ के अवसर पर कुछ स्कीम निकाली गई। ये 4 अगर डबल डेकर बस आएंगी तो एक महिलाओं को समर्पित रहेगी।